बिस्म बिस्म लाही लाही मैं हूँ आकीिब तारी और आपको ख्वाबों की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं ख्वाबों की दुनिया में आज हाजिर है मैं एक नई वीडियो के साथ जिसका नाम है ख्वाब में दूध देखने या दूध पीने के हवाले से इस ख्वाब की मुख्तलिफ सूरतें हैं जिनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं अगर आप अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बरवक मिले सामि नाजरन बात करते हैं ख्वाब में दूध देखने या दूध पीने के हवाले से ख्वाब में दूध साफ़ सुथरा देखना ये औलाद पाने खुशहाल होने दारैन की नमतें पाने शादी होने और मुराद पूरी होने की दलील है दूध गंदा या बदबूदार देखना हराम खाने हरामकारी करने और बीमार होने की निशानी है ख्वाब में दूध उबालना ये जज्बात बेकाबू होने और बीमारी रंज गम के दूर होने और दिली तमन्ना पूरी होने की दलील है दूध को उबालते हुए बर्तन से गिरना ये घर वालों के परेशान करने व कार में कमी होने और शादी की तमन्ना करने की अलामत है ख्वाब में दूध साफ सुथरा पीना ये घर में खुशहाली आने औलाद पाने शादी होने और आराम और राहत पाने की तरफ ये ख्वाब इशारा करता है इसी तरह अगर कोई ख्वाब में दूध यानी के तर्श या खट्टा पिए तो ये औलाद रिश्तेदारों से रंज पाने इज़्ज़ वकार में कमी होने और बुराई करने की कीत है दूध गंदा या ख़राब पीना आराम खाने आरामकारी करने बीमार होने और तकलीफ़ पाने की निशानी है ख्वाब में दूध किसी को देना ये सखावत करने व कार में इजाफा होने फायदा पहुंचाने और दिली मुराद पूरी होने की अलामतें हैं इसी तरह ख्वाब में दूध मिलना लेना या पाना बिगड़े काम संवरने बेटा पैदा होने दौलत बेशुमार पाने और शादी होने पर दलालत करता है ख्वाब में दूध बांटना या तकसीम करना ये रंजो गम के दूर होने बेटा पैदा होने खुशहाल होने और दिली तमन्ना पूरी होने की निशानी है इसी तरह दूध का गिरना ज़ाया होना या दूध को गिराना ये दौलत वकार में कमी होने परेशान होने और घबराहट पाने की अलामतें हैं दूध को ख्वाब में बेचना दौलत कारोबार में इजाफ़ा होने और मुश्किल के दूर होने की निशानी है और दूध को ख़रीदना बेटा पैदा होने खुशहाल होने शादी होने और आराम और राहत पाने की अलामतें हैं अगर कोई ख्वाब में दूध किसी को पिलाए तो ये नेक नाम होने इज़्ज़त और मरतबा में इजाफा होने और मकसद हासिल होने की निशानी है दूध हलाल जानवर का देखना या पीना बीमारी बीमार होने रंजो गम दूर होने खुशहाल होने और मकसद में कामयाब होने की निशानी है और साथ में गैर शादी शुदा अफराद के लिए शादी होने पर भी ये ख्वाब इशारा करता है अगर कोई ख्वाब में हराम जानवर का दूध देखे या पिए तो ये हराम खाने बेशुमार वो बेहया होने और बीमार होने की दलील है ख्वाब में दूध अपनी बीवी का पीना ये मोहब्बत और प्यार में इजाफा होने सुहागराते पाने और खुशहाल होने की और मकसद हासिल होने की दलील है और अगर साहिब ख्वाब किसी गैर औरत का दूध पिए तो ये गुमराह होने हराम खाने नुकसान होने और हराम कारी करने की निशानी है अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें दीन और दुनिया में कामयाबी अता करे और शतान दुश्मन के शर से महफूज रखे सल्लु अल हबीब अला मुहम्मद